इधर है हमारा ब्यूटीफुल गर्ल डेस्टिनी, दिस इज अ ब्लू इग्वाना। बॉल पाइथन इसका नाम कैसा है कि व्हेन ये डरते हैं या कुछ होता ना, बॉल की तरह मुड़ जाते हैं। और एक और बात भी बोलना चाहता हूँ मैं कि व्हेन इट कम्स टू स्नेक्स, स्नेक्स डोंट ड्रिंक मिल्क। हेजॉग्स है अब इसको साउथ अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग्स बोलते हैं। अच्छा, छोटे 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 ये दिखा सकते हैं, क्यूट होते हैं। हम ये देख सकते हैं ना, ये ग्रीन इग्वाना है। सो दिस आर ऑल लीगल ओनली, राइट? हाँ। ओके, ये जो वो स्किन शेड हो रहा ना, यस शेडिंग बोलते हैं। ओके, शेडिंग इज अ गुड साइन दैट इग्वाना ग्रो हो रहा है। हमारा फीमेल है, शी इज कॉल्ड सनबर्स्ट लेदर बैक पॉसिबल डनर। नेक्स्ट हमारा मेल है, ही इज अ पॉसिबल डनर नॉर्मल स्किल सनबर्स्ट टैंजरीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एबी फॉर यू। दोस्तों अगर आप ये चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं आगे में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे यहाँ पे कौन से एक्सोटिक पेट रखे हुए। हेलो जी। हाय अभिनव जी। जी आपका गुड नेम? नहीं, माय नेम इज जुगेश। ओके, योर पेट्स का शॉप क्या नाम है एक्चुअली? हमारा स्टोर का नाम है YSH एक्सोटिक पेट। ओके, सो जैसे हमारा स्टोर का नाम YSH एक्सोटिक पेट्स, हम मोस्टली एक्सोटिक पेट्स में डील करते हैं। जैसे इधर है हमारा ब्यूटीफुल गर्ल डेस्टिनी, दिस इज अ ब्लू इग्वाना। तो एग्जांटिक भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है ना एक्वा ब्लू कलर में आता है। एंड दिस इज अ रिसर्सिव जीन। सो इसके नहीं, इसके बाद हमारा बहुत सारे स्पीशीज है। जनरली जाए तो हमारे पास इग्वानास है, बॉल पाइथन से, हेजॉग से, बियर्डेड ड्रैगन से, इग्वाना के बच्चे हैं। सो वी हैव मेनी प्लेंटी ऑफ अदर स्पीशीज टू शो। सो ये आके लोकेटेड कहाँ पे है इनफैक्ट एक्चुअली योगेश भाई? हमारा स्टोर प्रगति नगर पे है, विच इज ऑपोजिट टू JNTU कुकटपली। प्रगति नगर पे, प्रगति स्कूल बैक साइड, मद्रा नगर रोड पे है। तो व्यूअर्स, इसका गूगल लोकेशन एंड एज वेल एज योगेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार प्लीज विजिट करिए और देखिए यहाँ पे कौन से एक्सोटिक पेट्स रखे हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, वीडियो को एंड तक मैं जरूर देखेगा क्योंकि एंडिंग में एक सरप्राइज आप लोगों के लिए मैं रखा हुआ है। श्योर जी, जैसे हम इधर इग्वाना है, लेट्स स्टार्ट विद इग्वाना। इतना प्यारा सा, इतना ब्यूटीफुल कलर है इसका। सो इसके लिए लाइक अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, बहुत ज्यादा एक्सोटिक है तो इसके लिए मतलब हेल्थ मेडिकेशंस एंड ऑल दैट कैसे लेते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते होंगे? जनरली अनलाइक डॉग्स एंड कैट्स ना, रेप्टाइल्स को जो होता है ना उतना हेल्थ का इश्यूज ज्यादा नहीं आता है। वेरी वेरी बेसिक हेल्थ का इश्यूज आता है, वन इज माउथ रॉट बोलते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा योगेश भाई, और एक चीज जानना चाह रहा था मैं लाइक हमारे व्यूअर्स के लिए, लाइक ये पूरे लीगल रहेंगे या कैसा है? थोड़ा इसके कुछ जो मैंडेटरी इसके जो गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं आपके पास में कुछ ऐसा है क्या? हाँ, जनरली ये जो पेपर्स है ना जी, दीज आर प्रवेश पेपर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। ये क्या है ना, एक्सोटिक पेट्स का रजिस्ट्रेशन वो सब दिखाते हैं इस पे। सो जनरली इंडिया पे क्या है ना, अकॉर्डिंग टू 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट, हम इंडिया पे वी कैन पेट ट्रेड एनी इंडियन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज, दोज आर इलीगल वंस। सो फॉर एवरी एक्सोटिक पेट दैट यू आर हैविंग इन एट योर स्टोर, सबका मतलब गवर्नमेंट पेपर लाइसेंस एवरीथिंग इज देयर, राइट? हां, पूरा रजिस्ट्रेशन है हमारा। सो फ्रेंड्स, यहां पे पूरा पेपर्स के साथ में जो है हमारे योगेश भाई यहां पे एक्सोटिक पेट्स सेल कर रहे हैं, इसके प्राइसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग ही विल बी गिविंग इन आवर वीडियो। दीस आर द पेपर्स That will be given in description as well. एक बार आप देखिए, and this all are, this is legal, योगेश भाई? हाँ, yeah. And और एक चीज पूछना चाहूंगा योगेश भाई, ये adult होने के लिए कितना time लेते हैं? होने तक कम से कम 2 to 3 years time लग देंगे। Okay. And lifespan in captivity 20 to 30 years तक चले जाएंगे। 20 to 30 years तक। And for diet? डाइट इग्वानास का तो प्योर वेजिटेरियन से। सी व्हाट वी डू इज वन डे पंपकिन देते हैं और नेक्स्ट डे हाइबिस्कस का फ्लावर्स देते हैं, नेक्स्ट डे ग्रीन पीस देते हैं, उसके बाद हाइबिस्कस लीव्स देते हैं, कोरिएंडर देते हैं। वन थिंग इज मैंडेटरी कि इनका डाइट में आयरन कंटेंट फूड जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आयरन कंटेंट के फूड की वजह से इनको लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। या एंड फॉर मेडिकेशंस के लिए हु विल बी अवेलेबल, लाइक मतलब इसका कुछ होगा? मैं वेटनरियन हूँ, लाइक आई एम, हाँ, ओके, सो आई एम डूइंग माय वेटनरी DVM, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन में फिलिपींस में कर रहा हूँ। सो एनी काइंड ऑफ थिंग, इफ यू हैव इश्यूज विथ योर रेप्टाइल्स मोस्टली, ओके, आप हमको कॉल कर दे सकते हैं, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। सो अभी और कौन सा एक्सोटिक पेट दिखाने वाले हैं योगेश भाई? ये कहाँ ले आए भाई? चलो चलो
सेंट्रल अफ्रीका चले जाएंगे जी, चलिए ये देखिए, दिस इज अ बॉल पाइथन, ठीक है, ये अफ्रीका का स्पीशीज है। ओके, सो जनरली क्या है ना, बॉल पाइथन इसका नाम कैसा है कि व्हेन ये डरते हैं या कुछ होता ना, बॉल की तरह मुड़ जाते हैं। ये कम्प्लीटली फ्रेंडली है, बहुत सारा डॉसाइल है, इनका नेचर भी बहुत डॉसाइल होते हैं। मतलब ये लीगल स्नेक्स में एक है इंडिया पे। अच्छा अच्छा। सो ये साउथ अफ्रीकन का स्पीशीज है, बॉल पाइथन बोलते हैं। जनरली क्या है ना, बॉल पाइथन ये कलर को क्लासिक बोलते हैं। क्लासिक इन द सेंस वाइल्ड कलर बोल सकते हैं, नॉर्मल बेसिक म्यूटेशन भी बोल सकता है इनको। द थिंग इज बहुत सारे इनको क्या बोलते हैं, रॉयल बॉल पाइथन बोलते हैं जी। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग कि रॉयल बॉल पाइथन कुछ नहीं होता है। अच्छा। पास में क्या है ना, किंग्स वो सब दे यूज टू वेयर दिस बॉल पाइथन अराउंड देयर नेक्स एज अ नेकलेस टाइप, एक रॉयल लुक दिखाने के लिए इसको यूज करते थे। दैट्स द रीजन पीपल कॉल बॉल पाइथन एज अ रॉयल बॉल पाइथन। म्यूटेशन क्लासिक है इसका। और इसका डाइट वाइट कुछ पूछे तो वेरी सिंपल है मेंटेनेंस। वीकली वंस फीडिंग लेता है स्नेक। यू शुड नॉट फीड योर स्नेक एवरी डे, ठीक है, क्योंकि स्नेक का डाइजेशन जो होता है ना वेरी स्लो होता है। उसका बॉडी का ग्रिप जो होता है ना, उसकी साइज का फूड देना पड़ता है उनको। एंड इसके लिए एनवायरमेंट कैसे रहना पड़ेगा योगेश भाई? इसको बेसिकली एक वुडन कैबिनेट देना पड़ता है जी। So make sure that your cabinet is not too big. Reptile needs heat mandatory. That's the first thing you need to know when you're getting a reptile. Okay. So this will live long around? 30 years तक जाएगा ये। 30 years तक भी जाएगा। ये हमारा 4.5 years girl है। Okay. We raise. कुछ दिया है आपने इसके लिए? इसका नाम माया है। माया। Okay. Even though they can't hear, but the king एक छोटा मोटा ये होता है कि नहीं इसका नाम लगे तो क्यूट दिखता है। और एक और बात भी बोलना चाहता हूँ मैं कि when it comes to snakes, snakes don't drink milk. वो मिल्क वजह से क्या होता है ना, स्नेक को निमोनिया होता है। अच्छा, ओके। सो इफ यू आर गेटिंग अ स्नेक, नेवर फीड योर स्नेक मिल्क। और बॉल पाइथन तो एग भी नहीं खाता है। अच्छा। यू कैन फीड देम चिक्स, क्विल्स, माइस एंड रैट। Okay. So that's one of the basic thing you need to know about ball pythons. Okay. Next, South Africa में भी हम will go for one more species. Yeah. Let's go. Yeah, sure. So. हाँ जी. चलो South Africa में दूसरा species दिखाता हूँ. Sure. ये reptile नहीं है. बट इसको देख के परेशान मत होना। okay. इसमें एक हमारे पास salt and pepper color है। चलो दिखाएंगे। So, या योगेश भाई, अभिनव भाई जी बोलिए। ये जो है ये हेजॉग्स है। ओके। अब इसको साउथ अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग्स बोलते हैं। अच्छा। इंडिया पे भी हमको हेजॉग्स मिलते हैं। ओके। बट द थिंग इज दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम देम। वो लॉन्ग हेयर हेजॉग्स है, इससे थोड़ा बड़ा होते हैं। ये क्या ना, इस इतना साइज ही होता है। ओके। सो दीज आर कम्प्लीटली लाइक, अगर कोई है डॉग्स एंड कैट्स को उतना टाइम नहीं दे पाता है, बट ही नीड्स अ पेट, ठीक है। yeah. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, ये छोटे 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 ये दिखा सकते हैं। oh my God. क्यूट होते हैं, हैंडल भी है। yeah. और मेंटेनेंस बात करें तो बहुत इजी मेंटेनेंस है। सिंपल एक एक्वेरियम ले लीजिए, उसमें बेडिंग के लिए राइस हस्क मिलता है। okay. वो डाल सकते हैं। okay. वुड शेविंग्स डाल सकते हैं। उसके बाद एक वाटर निपल, जैसे हम हैम्स्टर्स को रखते हैं ना वाटर निपल्स वाटर पीने के, वो एक रखना चाहिए। उसके बाद फीडिंग की बात तो ये खा लेते हैं, सुपर वर्म्स खा लेते हैं। okay. उसके बाद चिकन बॉईल करके दे सकते हैं। okay. और रेगुलर डाइट में ना इनको हम कैट फूड खिलाते हैं। दैट्स अ बेसिक थिंग व्हाट वी गेट। जैसे ये है सुपर वर्म। okay. अच्छा, तुरंत खा जाएंगे ये लोग, इनका फेवरेट फूड है ये। फेवरेट फूड है और टेस्टी भी रखते हैं इनको। okay. सो दे रियली लव देम। जैसे ये देख लो, कटा 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 खा ले रहा। आपको मिल जाएंगे अराउंड 10K per piece। अगर दो लेंगे तो आपके सब्सक्राइबर्स के लिए तो विल मेक इट 16 to 18K a pair। ओके, श्योर श्योर श्योर। मेनी 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 थैंक्स योगेश भाई, आपने जो है
दोनों पेयर के लिए 15-16 में कर दिया। हाँ। जी सो योगेश भाई, ये चार इतने ब्यूटीफुल जो मैं देख पा रहा हूँ, द येलो वन, द ब्लूइश वन एंड ऐसे वाले, ये क्या है एक्चुअली एक्सोटिक्स में? जनरली वो बड़ा इगुआना है। ओके। ये मतलब ये हैचलिंग से। ओके। इसका इसमें एज है 2 मंथ्स का एक है, 3 मंथ्स का एक है, अराउंड 2 to 3.5 मंथ्स का एज के बिटवीन है। जिस जब हम ये देख सकते हैं ना, ये ग्रीन इगुआना है। सो दिस इज द बेसिक म्यूटेशन व्हाट यू गेट इन इगुआनास। ओके। पूरा बॉडी कलर ग्रीन होगा इसका। सो इसके मतलब जब बच्चे होते ना, फर्स्ट मेन थिंग व्हाट एवर व्हाट यू नीड टू डू फॉर इगुआना इज हीट सोर्स। ओके। इगुआना के लिए हीट सोर्स इज वेरी मैंडेटरी, बिकॉज वाइल्ड में तो इनका नेचुरल बास्किंग हो जाता है, नेचुरल सनलाइट मिल जाता है ना। सो ये कैप्टिविटी में होने के बाद वी कैन प्रोवाइड देम द सेम बास्किंग एंड एवरीथिंग एज दे गेट नेचुरली। जैसे ये ग्रीन हो गया, नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा। तो मतलब ये कलर वेरिएशंस होते रहते हैं क्या योगेश भाई इसके? नहीं, ये कलर चेंज नहीं करता है। लाइक अनलाइक कैमिलियंस ना, इगुआनास डोंट चेंज देयर कलर्स। ओके। इसका स्टैंडर्ड कलर्स हो जाते हैं। तो दिस लिव लॉन्ग 20 टू 30 इयर्स कैप्टिव में आ जाते हैं। जैसे ग्रीन बता दिया था, इसको फॉल्स रेड बोलते हैं। ओके। जनरली आप इसको देखेंगे तो ऊपर रेड कलर का शेड है और बेली का ग्रीन है। ओके। सो दिस आर ऑल लीगल ओनली, राइट? हां हां हां। ओके। सो दिस आल्सो लिव्स अराउंड 20 टू 25। हां। जैसे आप पहले पता है ना, मेरा बड़ा इगुआना फीमेल डेस्टिनी ब्लू वाला, वो मैं इस एज से पाल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी कितने इंच के होंगे? ये एट प्रेजेंट तो 8 feet का है। 8 feet का ना? 8 feet। एज कितना होगा इसका अभी? ये अराउंड 2 months, 2.5 months मैक्सिमम है। ये एक्सोटिक पेट कौन सा सही रहेगा एज एक्चुअली चाह रहे हैं तो? एज मतलब कैसे होता है ना, एडॉप्टिंग पेट फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गेट इट फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड ब्रीडर। ओके। सो दैट दीज बेबीज ना ही नॉट ब्रीड द यंग वंस एट वेरी यंग एज। ओके। उसके बाद टेमिंग कैसा है, हैंडलिंग कैसा है, वो सब देख के देखना पड़ेगा। लाइक व्हेन यू आर हैंडलिंग एन इगुआना, इट शुडंट बाइट यू। ओके। सो दैट यू नो कस्टमर के पास जाने के बाद क्या होता है ना, इट विल गेट इजी फॉर देम टू हैंडल देयर पेट। सी जब हम महंगे महंगे पेट लेते हैं जी, इफ यू आर अनेबल टू हैंडल द पेट, इट्स नो यूज ऑफ गेटिंग देम, राइट? लाइक इट्स सिंपल एज केजिंग देम। यस यस। So make sure that you handle your pit regularly so that he is quite a good tame one. Okay. So this will be costing you around, Yogesh bhai, if you will reveal, it will be very beneficial for our viewers. Sure, sure, sure. Yeah. जैसे basic color है green, green का price होगा around 15,000. और रेड का ये जो कलर है फॉल्स रेड, एक इसमें क्या ना ऊपर रेड आता है नीचे ग्रीन आता है। ओके। इसका प्राइस चले जाएगा अराउंड 18,000 तक। 18,000 तक। ओके। सो नेक्स्ट वन, उसके बाद आएगा हमारा ब्लू इगुआना। ब्लू इगुआना, वेरी एक्साइटेड ना योगेश भाई? ओके। सो ये करीबन 18 इंचेस तक होगा एट प्रेजेंट। तो फिलहाल दिस इज अ रिसेसिव जीन बोलते हैं ब्लू को। ओके। एवरी टाइम क्या होता है ना एक्सोटिक पेट्स में, रिसेसिव जीन का प्राइस एक्सपेंसिव होता है कंपेरेटिव डोमिनेंट जीन। ओके। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट वाइल बाइंग एन इगुआना, आइस ब्राइट है, ठीक है, हेल्थी है, एक्टिव है, टेल डैमेज नहीं है, फीडिंग अच्छा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, शेडिंग प्रॉपर है, पूरा देखना पड़ रहा है। जैसे अब देखो ये ब्लू वाला, ये शेडिंग पे है। अच्छा। जो ये जो स्किन शेड हो रहा ना, यस यस, शेडिंग बोलते हैं। ओके। शेडिंग इज अ गुड साइन दैट इगुआना ग्रो हो रहा है। ग्रो हो रहा है। हाँ। सो शेडिंग is for sure to be done for reptiles. Okay. Blue ka price chale jayega around 35,000, 28,000, 30,000. Okay. Price kya hota hai size ke hisab se, pigmentation ke hisab se, how intense the pigmentation is, uske hisab se, quality ke hisab se price chale jayenge. Okay. And for diet in log ke liye kya hota hoga Yogesh bhai generally? Same adult aur jo bola tha na main vegetable, vegetarian diet, same for reptiles ko, matlab babies ka bhi same hoga. Babies ka bhi same. Haan. नेक्स्ट हम जाएंगे एल्बाइनो। एल्बाइनो, एल्बाइनो क्या होता है, ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन होता है ये। जनरली डार्क येलो शेड में आते हैं। एल्बाइनो भी टू वेरिएशन आ रहा है। टी पॉजिटिव एक होता है, टी नेगेटिव एक होता है। अच्छा। टी नेगेटिव इज द सेंस दिस वन, थोड़ा येलोइश कलर ज्यादा होता है इसमें। टी पॉजिटिव का क्या होता है ना, थोड़ा रेडिश शेड आ जाता है। सो दिस इज द टी नेगेटिव एल्बाइनो वन। इसमें क्या होना, इसमें ब्लैक स्पॉट नहीं दिखता है।
अच्छा, देयर विल बी नो ब्लैक स्पॉट। ओके, अनलाइक अदर इगुआना इसमें ब्लैक स्पॉट नहीं आता है। ओके, और इसका आईज देखिए रेडिश आईज होता है। यस यस, आई कैन सी दैट। या एल्बिनोस इन द सेंस इज अ थिंग दैट बॉडी पे एल्बिनिज्म जो होता है ना, ब्लैक पिगमेंटेशन कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। दैट्स द रीजन एल्बिनो बोलते हैं। मेन थिंग व्हाट यू हैव टू से इज रेड आईज, रेड कलर होना चाहिए एल्बिनो पे। एंड वैक्सीनेशन या ऐसा भी कुछ होता होगा क्या इन लोगों के लिए भी? नहीं नहीं नहीं, अनलाइक डॉग्स एंड कैट्स इनका वैक्सीनेशन कुछ नहीं होता है, बट ये वेनमस नहीं होते। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई कि बहुत सारे बंदे बोलते क्या ये काटने से हमको कुछ आता है, कुछ हो जाता है। हां सो द फर्स्ट थिंग इज अनलेस योर एनिमल इज इन्फेक्टेड, कुछ भी एनिमल हमको काटे कुछ नहीं होता है। इट कम्स टू इगुआनास एंड एवरीथिंग। और दिस विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड, एल्बिनो का प्राइस साइज के हिसाब से होता है, पिगमेंटेशन के हिसाब से इट विल रेंज यू समवेयर अराउंड 40 to 55,000 फॉर अ हैचलिंग। इगुआनास ग्रो अप टू 6 feet लेंथ। 6 feet लेंथ? हाँ। ओके। उसके बाद इगुआनास का रेजर शार्प टीथ होता है, दे कैन टेयर योर स्किन अपार्ट। एंड दिस स्टोर विल बी ओपन 365 days, राइट? हाँ, 365 days ओपन होगा। अच्छा, ये सब तो आपने पूरे रेप्टाइल्स एंड ये बता दिया, और कौन से एक्सोटिक पेट्स हैं जो बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए आप? हमारे पास तो बहुत सारे हैं, यू कांट इवन इमेजिन दैट दीस पेट्स इन हैदराबाद स्टोर पे भी मिल रहे क्या। कभी कभी कुछ कुछ लोग को होते हैं कि नहीं भी मुझे लिजर्ड से थोड़ा डर है, बट आई वॉन्ट टू पेट देम। या तो उसके लिए यू कैन कम, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद आवर क्यूट बेबीज एंड यू नो यू कैन इंटरेक्ट विद देम, आपका फियर दूर कर सकते हो एंड देन यू कैन प्लान फॉर गेटिंग वन। हाँ, सो नेक्स्ट हम दिखाएंगे बियर्डेड ड्रैगन्स। लेट्स टेक यू टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चलो जाएंगे। चलिए योगेश भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के एग्जॉटिक पेट्स हैं, राइट? या सी दीस आर बियर्डेड ड्रैगन्स। सो ये बियर्डेड ड्रैगन्स में दिस इज फीमेल एंड हीज आर मेल। सो बियर्डेड ड्रैगन्स आर सेमी डेजर्ट स्पीशीज बोल सकते हैं। इसको टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए और ह्यूमिडिटी बहुत कम होना चाहिए। बोथ ऑफ द थिंग्स। ये ओमनिवोरस डाइट के अंदर आते हैं। सो द मेन थिंग इन द डाइट एट दिस एज क्या होता है ना, यू शुड फीड देम मोस्टली वेजीज, जैसे पम्पकिन्स, कोरिएंडर और हाइबिस्कस फ्लावर्स एंड लीफ, वो हम इनका मेन डाइट में देते हैं। उसके अलावा हम इसको सुपरवर्म्स भी देते हैं, दोबिया रोचेस भी देते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देते हैं। सो जी, इफ यू आर अ बिगिनर एंड प्लानिंग टू गेटिंग इनटू रेप्टाइल, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। क्योंकि देख, अनलाइक इगुआनास, दिस गाइस डोंट मूव मच, उतना मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है एंड इट दिस इज द मैक्सिमम साइज व्हाट दे ग्रो। देखो, दिस इज द मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम। हाँ, ये कम्प्लीटली अडल्ट है। तो कुछ खिलाने वाले हैं आप, है योगेश भाई? हाँ, हम दिखाएंगे ये जो होता है। दीज आर वॉट वी फीड फॉर देम इन मेन इंसेक्ट डाइट। सो दिस इज दूबिया रोचेस। ये कॉकरोच की एक वेराइटी है, दीज आर कम्प्लीटली कैप्टिव ब्रेड। Never feed your animal with insect which is caught from wild. Wild का insects में क्या होता है ना, parasites होते हैं, उसके वजह से आपका little baby भी क्या होता है ना, she'll get fever, internal parasites आ जाते हैं. So and the next one is superworm. This worm also you can give your little cuties as a food. So mainly vegetables की diet में concentrate करना है. उसके बाद this is a secondary type. Insects. हमारा female है. She is called sunburst leatherback possible dunner. Sunburst क्या होता है ना, इसका कलर है. सो उसका slightly yellowish dusky कलर होता है ना, उसको sunburst बोलते हैं. उसके बाद leatherback है इसका म्यूटेशन moth. इसका स्केल्स देखिए ना, रफ नहीं होते, पूरा सॉफ्ट होता है लेदर जैसा. इसे टच करके देखिए, प्योर सॉफ्ट होता है. या, ये हमारा फीमेल है. नेक्स्ट हमारा मेल है, ही इज अ पॉसिबल डनर नॉर्मल स्केल सनबर्स टैंजरिन. सनबर्स टैंजरिन जो होता है ना,
इट इज अ कलर टैंजरीन के थोड़ा ऑरेंजिश आ जाता है इन पे, जिसे फेस देकर फेस देकर देखे थोड़ा ऑरेंजिश शेड है बॉडी में भी, लेग्स के पास ऑरेंजिश शेड है, सो वो टैंजरीन है. और नॉर्मल स्केल क्या है कि ना इसका स्किन देखिए फीमेल की जैसा सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा रफ होता है, तो वो है इसका और इसका डिफरेंस. सो दिस विल बी कमिंग यू अराउंड हाउ मच योगेश भाई? सो एक अप्रॉक्स प्राइस बोल दूंगा आपको, प्राइस विल बी समवेयर अराउंड 18,000 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 70-80,000 में भी हो सकते हैं कलर के हिसाब से. अप टू 70-80,000. चलो भाई ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए रेडी हैं? रेडी रेडी रेडी. चले चले चल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 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 आ गए हम. तो ये है शुगर ग्लाइडर. ओके. ये मार्सुपियल है. सो जनरली ये क्या है ना, इंडिया पे बहुत सारे बंदे को स्क्विरल पालना बहुत आदत है. आदत रहता है, सही है, राइट. सो क्या है कि इंडिया पे जो वाइल्ड में मिलते हैं ना स्क्विरल्स, वो इलीगल है. इसके लिए हमें लीगल वेराइटी एक स्क्विरल लेकर आना चाहिए, जरूरी है. सो दैट्स द रीजन वी बॉट शुगर ग्लाइडर ऑल द फेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इसका ऑरिजिन ऑस्ट्रेलिया है, पर इसका ब्रीडिंग जो होता है इंडिया पे आजकल भी शुरू हो गया है. सो ये कम्प्लीटली टेम्ड एनिमल है. देखो काटता नहीं है, कुछ करता नहीं है. इसका फीडिंग का भी एक दिखा लेता हूँ हम. एंड दिस लव्स, इसका फेवरेट फूड है इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स में ये चुक 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 आ गया तो ये देख भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता उसको. अरे भाई तुरंत. हाँ तो इंसेक्ट्स हम इसको क्यों देते कि इसको ना एक प्रोटीन डाइट थोड़ा ज्यादा चाहिए. अच्छा अच्छा. तो इसके लिए हम इसको इंसेक्ट्स देते हैं. इंसेक्ट्स के अलावा ना द रेगुलर डाइट बेसिस वी कैन गिव हम सेरेलैक मिलता है ना. सेरेलैक में मिक्सड फ्रूट सेरेलैक लेना है. उसका एक स्कूप लेकर वाटर में अच्छी तरह से मिक्स करके दे देना है. उसके साथ साथ एप्पल या बनाना एक फ्रूट दे दीजिए, बस हो गया इसका फीडिंग. बहुत सिंपल केयरिंग है, कुछ भी नहीं है. और ये क्या है ना, नॉक्टर्नल एनिमल्स है. मतलब नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं ना, दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट टाइम्स. टेनेंस भी एक 2x2 केज ले सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं एक पैर. एंड इसका मेडिकेशंस कैसे रहेंगे योगेश भाई? इसके लिए सिंपल है, यू शुड नॉट गेट देम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद सन. अच्छा डायरेक्टली सन से आना चाहिए. ओके. क्योंकि सन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आ गया तो क्या होता है ना, इन पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हीट स्ट्रोक आ जाएंगे. हीट स्ट्रोक आ जाएगा जी. एंड इसका या लाइफ लॉन्ग कैसे रहेगा? लाइफ अराउंड 8-10 इयर्स जाते हैं. 8-10 इयर्स. एंड कॉस्टिंग विल बी अराउंड? दिस इज अ क्लासिक बेसिक वन. इसके बाद लूसिस्टिक कलर के एक आते हैं, ब्लैकिश होते हैं. उसके बाद क्रीमिनो कलर करके एक आता है, व्हाइटिश कलर आके आइस रेड होते हैं. तो सो बेसिकली 20,000 पकड़ के चलना चाहिए. 20,000 से स्टार्टिंग रहेगा. हाँ 20,000 से 3 लाख तक जाएंगे. 3 लाख तक जाएगा. ओके ओके. सो आज आपने हमारे व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सी जानकारी दी योगेश भाई. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. सो और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा योगेश भाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हमारे व्यूवर्स को कि भाई एक सरप्राइज उन लोगों के लिए है. तो हमारे कोई व्यूवर्स हमारे कोई सब्सक्राइबर्स अगर आपके स्टोर में आ रहे हैं एंड इफ दे आर ट्राइंग टू हैव एन पेट एग्जॉटिक पेट्स एट देयर होम, तो उन लोगों के लिए कुछ डिस्काउंट कुछ मिलेगा योगेश जरूर, भाई? जरूर जरूर. यू सी इफ एनी क्लाइंट कम्स फ्रॉम योर चैनल या एबी फॉर यू अभिनव यादव चैनल, या अब कोई बोलेगा तो भाई हमने एबी फॉर यू अभिनव चैनल से आए हैं, वी सॉ योर वीडियो देयर, हम उनको 10-20% डिस्काउंट देंगे. 10-20%. ओके. तो ये था दोस्तों आज का वीडियो एग्जॉटिक पेट्स का, जो कि लोकेटेड है कुकटपल्ली में. एंड ये स्टोर का नाम है YSH एग्जॉटिक पेट्स. इसका गूगल लोकेशन एंड एज वेल एज योगेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. धन्यवाद. थैंक यू सो वेरी मच योगेश भाई. थैंक यू सो वेरी मच.